साथियों, आज हम देखेंगे ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, ओम के नियम के बारे में हम बात करें। तो ओम का नियम क्या होता है, जब किसी चालक से जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस चालक के सिरों पर चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है। उत्पन्न जो विभवांतर होता है, उत्पन्न विभवांतर चालक से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि यहां क्या बताया हुआ है, देखिए, मानो कि ये एक चालक तार है, ये इसका ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसमें से धारा आई प्रवाहित हो रही है। माना कि इस बिंदु पर विभव V1 है और इस बिंदु पर V2 है, और इन दोनों के मध्य जब धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस बिंदु से इस बिंदु के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो गया, माना कि V। ओके, तो ये जो उत्पन्न विभवांतर है V, ये समानुपाती होगा प्रवाहित धारा यानी I के, यानी V समानुपाती I। यहाँ से समानुपाती का जब निशान हटाएंगे अपन, तो यहाँ पे देखिए R नियतांक आ जाएगा, V बराबर I इंटू R। यहाँ पे ये जो आर आगे समानुपाती का निशान हटाने से आया है, जो कि ये आर क्या कहलाएगा यहाँ पर, नियतांक। अब हम बात करें इस आर के बारे में, यहाँ पर वी क्या होगा, वी विभव हो जाएगा और आई क्या हो जाएगी यहाँ पे, धारा। यहाँ पे आर जो है, ये आर देखिए, आर यहाँ पर एक क्या है, नियतांक। R एक नियतांक है जो कि धारा के प्रवाह में बाधा को दर्शाता है, और हमें पता है कि धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि R यहां पर क्या होगा, प्रतिरोध। क्या होगा, प्रतिरोध। यानी कि आर क्या है, नियतांक है, जो कि क्या करता है, धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को दर्शाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो आर है, ये किन किन ये किस किस पर निर्भर करता है। तो आर देखिए यहाँ पे न तो विभव पर निर्भर करता है और न ही धारा पर निर्भर करता है। जबकि हम बात करें इस नियम की विशेषताएं क्या हैं, तो देखिए इस नियम की विशेषताओं की हम बात करें, तो नियम की विशेषताएं हैं, यह है नियम एसी व डीसी दोनों पर लागू होता है। एसी व डीसी दोनों पर लागू होता है। दूसरी इस नियम की जो विशेषता है, यह केवल नियत भौतिक परिस्थितियों पर, ही लागू होता है। नियत भौतिक परिस्थितियों पर ही लागू होता है, जैसे कि ताप, दाब, लंबाई आदि क्या हो, नियत हो।
यानी कि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन है ना हो इस प्रक्रिया के दौरान। तो इसकी विशेषता क्या हो गई, यह नियम एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है, बशर्ते इसकी जो शर्त है ये यह है कि केवल इस यह नियत भौतिक परिस्थितियों पर ही लागू होता है, यानी कि ताप दाब तथा लंबाई यहाँ पर नियत होनी चाहिए। अब देखिए यहां से क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, तो हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहां से बनते हैं, देखिए क्वेश्चन की हम बात करें यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि यहां पर जो R है, ये जो प्रतिरोध हमने पढ़ा है, यह निर्भर करता है ए ऑप्शन में आपको माना कि दिया हुआ है धारा पर, और बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है विभव पर, और सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है न धारा पर व न विभव पर, और डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है इनमें से सभी। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आर, ये जो प्रतिरोध हमने बात किया है, जैसे कि हमने बात की अभी वी बराबर आई आर ओम के नियम के अनुसार होता है, जो ये आर है ये निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, यहाँ पर धारा पर निर्भर करता है, विभव पर निर्भर करता है, न धारा पर न विभव पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा, न तो ये जो आर है न तो ये धारा पर निर्भर करता है और न ही विभव पर निर्भर करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है आर क्या है, यहाँ पर एक नियतांक है जो कि प्रतिरोध को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन आता है, हम अगले प्रश्न की बात करें तो आगे क्वेश्चन आता है आपका, माना कि आपको दिया हुआ है धारा, किसी परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी दी हुई, यहां पर माना कि 5 एम्पियर दी हुई है, तथा प्रतिरोध आपको दिया हुआ है, प्रतिरोध 4 ओम दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर माना कि 4 ओम प्रतिरोध दिया हुआ है, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगा, विभवांतर कितना होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए हल करते हैं अपन। सबसे पहले धारा दी हुई है I बराबर 5 एम्पियर, प्रतिरोध दिया हुआ है R बराबर 4 ओम, हमें ज्ञात क्या करना है, विभवांतर V का मान ज्ञात करना है। देखिए ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें V, R और I तीनों होते हैं, तो ये ओम का नियम का सूत्र होता है V बराबर I इंटू R। हमें दिया हुआ क्या है, हमें V याद करना है, V बराबर I दिया हुआ है 5 एम्पियर गुणा R दिया हुआ है हमें 4 ओम, तो V का मान कितना हो जाएगा 5 × 4 = 20 वोल्ट, विभवांतर यहाँ पर कितना होगा 20 वोल्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ पर ओम के नियम से पूछे जाते हैं, और मुझे आशा है आपको ये ओम का नियम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आप इसी प्रकार से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपकी बहुत बेहतर तरीके से तैयारी हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।